हेलो यूट्यूब व्यूवर्स, आप देख रहे हैं वीडियोस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और ये है स्टैट प्रो ट्यूटोरियल सीरीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट सिस्टम, मेंबर स्पेसिफिकेशन और मेंबर ऑफसेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक न्यू प्रोजेक्ट लेता हूँ, क्योंकि हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक बीम बना देता हूँ मैं, ये एक बीम है। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये मैंने एक बीम बनाया है। जैसे कि आप जानते हैं कि थ्री टाइप की सपोर्ट होती है जनरली, फर्स्ट फिक्स्ड, सेकंड पिन एंड थर्ड रोलर। तो सबसे पहले हम लगाते हैं इस जॉइंट पर, क्योंकि जॉइंट पे ही सपोर्ट लगेगी। सबसे पहले हम लगाते हैं पिन। तो उसके लिए सबसे पहले आप जाओगे जनरल, देन सपोर्ट, उसके बाद आप क्रिएट पर क्लिक करोगे। पहले से एक सपोर्ट यहाँ पर डिफाइन है जिसका नाम है नो सपोर्ट, यानी कि किस काम आती है S1 सपोर्ट हटाने के। तो सबसे पहले क्रिएट पर क्लिक करेंगे, विंडो खुल जाएगी। तो विंडो में फर्स्ट टैब है फिक्स का, हमने फिक्स को ऐड कर लिया। देखिए यहाँ पे फिक्स ऐड हो गई है। दोबारा क्रिएट पे जाते हैं, इसके बगल में एक पिन, इसको भी ऐड कर लेते हैं। फिर तिवारा क्रिएट में जाते हैं, इसका है फिक्स बट, ये काम आती है रोलर बनाने के लिए, क्योंकि रोलर में एक ही रिएक्शन होती है। तो उस FY तो उसको छोड़ के हम सब पे टिक कर देंगे तो ये रोलर बन जाएगी ऐड। ये तीनों सपोर्ट आ गई एक पहले से। तो मैंने फर्स्ट सपोर्ट जो हमारी फिक्सेस पे क्लिक किया, मुझे यहाँ लगानी है तो इस जॉइंट पे क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया, रेड कलर का हो गया और मैंने असाइन पे क्लिक किया और यस के असाइन किया। सेकंड पे मैंने क्लिक किया और यहाँ लगाई और इस पे मैंने असाइन पे क्लिक किया, ये यहाँ लग गई। थर्ड सपोर्ट बीच में लगाते हैं, उसके लिए एक नोड बना लेते हैं, नोड इंसर्ट एट मिड पॉइंट। ओके, अब सपोर्ट पे दोबारा क्लिक करेंगे। थर्ड है हमारे रोलर, हमने ये क्लिक सेलेक्ट किया और हमने इस पे क्लिक किया। तो इस तरह से हम सपोर्ट लगा सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या चीज थी आपकी, मेंबर स्पेसिफिकेशन, ये किस काम आता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये है कहाँ पे, तो देखिए जनरल में, जनरल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो एक टैब की लाइन आती है, देखिए इसमें स्टैट प्रो में होता है क्या, यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसके रिलेटेड टैब आ जाएंगे, इस पे क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड टैब यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। मैंने किया ज्योमेट्री पे क्लिक, तो ज्योमेट्री के टैब यहाँ आ गए सभी। अब जैसे मैं प्लेट पर क्लिक करूंगा तो प्लेट से रिलेटेड जो टैब प्रॉपर्टी है वो कहाँ जाएगी आपकी, यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने किया सॉलिड पे, अब ये सॉलिड की प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने जनरल पे किया, जनरल पे सपोर्ट आ गया, मैं सपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो सपोर्ट की प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने किया सपोर्ट के ऊपर स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन पे क्लिक किया तो इसकी प्रॉपर्टी कहाँ आ गई, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे है एक बटन एडिट, डिलीट, नॉट, अ बीम और प्लेट। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट आज हम जो काम किए उनकी बात करेंगे और बाकी की बाद में बात करेंगे। तो इसमें अभी हम बीम, हमारे पास तो बीम की बात करते हैं, ठीक है एरा। तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, मान लीजिए हमें रिलीज करनी है कोई मूवमेंट, मान लीजिए फिक्स है बट हम चाहते हैं पिन की तरह रेट करें, यहाँ पे मूवमेंट रिलीज हो जाए। तो मैंने क्या, ये पहले से तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो फिक्स सपोर्ट है कौन से पॉइंट एंड पे लगी हुई है। तो ये ग्रीन, मतलब माउस इस पर होल्ड रखा तो ग्रीन आ रहा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैंने इस पे बीम पे क्लिक किया और स्टार्ट पॉइंट यहाँ सेलेक्ट है, और पार्शियली मैं रिलीज करना चाहता हूँ किस चीज को, मूवमेंट इन जेड ऐड कर दिया और इसको मैंने इस बीम पे अप्लाई कर दिया। देखिए डॉट आ गई यहाँ पे, ये वाली, ये पार्शियली हमारी मूवमेंट रिलीज हो गई है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे, ऑफसेट है, टेंशन देना है, कंप्रेशन देना है, फायर प्रूफिंग, इम्परफेक्शन, ट्रस्ट। तो अभी ये जितने सारे टैब में जो सबसे काम की चीज, तो रिलीज मैंने आपको बता दी कि कोई भी फोर्स, देखिए यहाँ फोर्सेज है, यहाँ स्टिफनेस है या मूवमेंट है, जो भी चीज आपको रिलीज करनी है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पर, ठीक है, समझिए। ऑफसेट मैं अभी बताऊंगा इसके बाद, प्रॉपर्टी रिडक्शन फैक्टर की अभी बात नहीं करेंगे हम,
केबल आगे जाके हम बताएंगे कि केबल किसी मेंबर को केबल कैसे डिफाइन करते हैं। ट्रस, मान लीजिए आपने कोई ट्रस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया और उसको एनालाइज किया तो उसमें मूवमेंट शो करेगा, क्योंकि वो अभी ट्रस नहीं है, हमें सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि ये ट्रस है, क्योंकि ट्रस मूवमेंट जीरो होती है, केवल टेंशन कंप्रेशन फोर्स होते हैं। तो हमें उस स्ट्रक्चर पे जो ट्रस बनाया आपने उस पर ये अप्लाई करना होगा ऐड करके। तो हम उसकी बाद में बात करेंगे। फिर इम्परफेक्शन, फायर प्रूफिंग, इनएक्टिव, टेंशन कंप्रेशन, इन सब की हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं ऑफसेट की। तो सबसे पहले हमें डिलीट करना होगा और एक स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, एक फ्रेम बनाया मैंने। अब इस फ्रेम को प्रॉपर्टी देता हूं, प्रॉपर्टी पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ प्रॉपर्टी का भी सर मैंने बताया नहीं, बाद में बताएंगे, चलो अभी सीख लीजिए। प्रॉपर्टी यानी क्रॉस सेक्शन, यहां पे मैंने किया डिफाइन रेक्टेंगल और 0.3 और 0.3, 300 mm 300 mm मैंने साइज ले लिया रेक्टेंगल का और इसको असाइन कर दिया। तो देखिए ऑफसेट होता क्या है, इसको 3D में देखेंगे। जरा पिरामिड बटन है यहाँ पे, इस पर क्लिक करोगे तो ये आ गया 3D में। तो जरा आप देख सकते हैं कॉर्नर किस तरह से है। जब बिल्डिंग हमारी कास्ट होती है तो क्या कॉर्नर इस तरह से होते हैं? नहीं ना, ये पूरा फिल होता है, इस तरह से होते हैं हमारे जॉइंट, है ना। तो इस तरह के जॉइंट बनाने को ही कहते हैं ऑफसेट। तो देखिए कैसे बनेंगे। अच्छा एक चीज, और ये देखिए ये जो साइज कितना है, ये वाला साइज 300 mm जो हमने दिया है, ठीक है 300 mm। और ये सपोर्ट कितने पे कर रहा है, ये कितना है, ये है आपका 150 mm। तो कितना इसे स्ट्रेच करना है, और 150 mm, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब किस, ये डायरेक्शन कौन सी है आपकी, -x, ठीक है। देखिए अब मैंने क्या किया, इस बीम को पहले सिलेक्ट किया, पता किया कि ये तो इसका है स्टार्टिंग पॉइंट और ये है इसका एंड पॉइंट। ब्लू मीन्स एंड पॉइंट, ग्रीन मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट। और इसको -x डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है 150 mm, और इस एंड को +x में 150 mm। तो मैंने यहाँ पे गया मैं स्पेसिफिकेशन बीम, और यहाँ पे ऑफसेट किया स्टार्ट पॉइंट, ये स्टार्ट पॉइंट है, इसको कितना करना है, यहाँ पे देखिए 0.15 माइनस, है ना, ये 0.15 माइनस, क्योंकि इस डायरेक्शन में, देखिए यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस, ठीक है। इसको मैंने ऐड कर दिया। फिर दोबारा बीम पे गया और मैंने ऑफसेट में सेलेक्ट किया एंड पॉइंट, और एक्स में एंड पॉइंट कितना, क्योंकि ये वाला एंड पॉइंट हमारा है और इसको पॉजिटिव एक्स में करना है 150 mm, तो यहाँ मैंने ये कर लिया, ऐड किया। अब ये दो चीजें आ गई, इसको इस बीम पे अप्लाई कर दो। अप्लाई करने का देखोगे यहाँ पे कुछ बीम अलग से निकला हुआ दिखाई देगा, पर ये ऐसा है नहीं, 3D में आप देखते हैं। तो देखिए आपका जॉइंट ठीक हो गया। तो ये था आपका मेंबर ऑफसेट। तो ये तीन चीजें हो चुकी हैं, और डिटेल में भी जानेंगे इन्हें धीरे धीरे। अभी पहले मैं ये सीरीज खत्म कर दूं, जितनी हमें एक कंसल्टेंसी एक स्ट्रक्चर डिजाइनर बनने के लिए जरूरत होती है। बल्कि आप, मैंने कंसल्टेंसी में भी काम किया है और वहां पे जो इंजीनियर थे उनको भी इतना नहीं आता होगा जितना आप इससे सीख रहे हैं, कि कुछ चीजें एडवांस होती हैं उसमें कम जरूरत पड़ती है, वो भी आप इसमें सीख रहे हैं। बहुत बेसिक उन्हें आता है, सिर्फ लोड लगाना, एनालिसिस करना, लोड पढ़ना, ये सब, ऐसी मॉडलिंग नहीं कर पाता कोई भी, क्या है उसे कितना भी एक्सपीरियंस हो। तो ठीक है, आज की स्टैड की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर फ्यूचर वीडियोस। थैंक यू।